जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं हूँ लिंगराज और आपको रॉयल ऑर्डर से तरह स्वागत है। दोस्तों आज उड़ीसा के गांव जो कि हुमा गंजाम के नियर बाई है, वहां पे हम बटेश्वर मंदिर है जो कि शिव जी का मंदिर है। ये उनका फ्रंट एरिया है जहां पे दुकान था, पहले दुकान है, थोड़ी दुकान वकान सब बाजार बन चुका है। और आप ये देख सकते हैं गार्डन है एंड ये शिव जी का मेन एंट्री गेट है जहां पे ऊपर शिव जी का स्टेचू है। ये देख सकते हो एंट्री गेट है और यहां पे नंदी जी है मंदिर के सामने। और मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ किस तरह दिख रहा है नंदी जी का स्टेचू है। ये पूरा मंदिर का देखो फ्रंट का व्यू है एंड ये मंदिर का एंट्री गेट है। और मेरे साथ कान्हू भाई मेरे साथ आए हैं जो मेरे साथ हेल्प कर लिए, तो उनको थैंक यू। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भगवान का एक्चुअली एंट्री गेट है, तो अंदर चल के देखते हैं। तो हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे शिव जी का जो लिंग है यहाँ पे स्थापन किया गया है और ये आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो मंदिर देखो पूरा नीचे, ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे मंदिर पूरा ज़मीन के नीचे था और उसको दोबारा मतलब उधार किया गया है। आप देख सकते हो कितने नीचे मंदिर है शिव जी का। और शिव जी यहाँ पे बटेश्वर नाम से जाने जाते हैं। हम नीचे जाते हैं अभी सीढ़ी से, बहुत प्यारा लुक है आप देख सकते हो। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। लोग बोलते हैं कि पहले यहाँ पे बाजार बाजार नहीं था, आपने देखा बाहर पूरा बाजार बन गया है, आपने वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे अगर कुछ भी होता है वहाँ पे टैबलेट भी रखा गया जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नागदेव भी है, ये देखो मंदिर। अब यहाँ पे धीरे धीरे चारों तरफ देखो मूर्ति बनाए गए जो कि आधा ड्राइंग हो चुका है, कलर लग चुका है और आधा बाकी है। धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो चलो नीचे चलते हैं। ये बटेश्वर महादेव जो हर हर शंभु भोले बाबा है, ये उनका गेट है। मंदिर के अंदर जाने के लिए अभी तो लॉक लगा है। यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे सब दिए लगाए गए हैं और भगवान अंदर बैठे हैं, अंदर उनका मूर्ति है। यहाँ पे भगवान प्रकट हुए जो कि यहाँ पे जो भी कुछ मन्नत मांगते हैं बोलते हैं कि मन्नत पूरा होता है, बट दिल से मांगना चाहिए। चलो मंदिर को चारों तरफ तक देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे बोले आप देख सकते हो ये जो मंदिर है ये बहुत पुरातन मंदिर है, बोलते हैं कि जमीन के नीचे दबा हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हो तो ये पूरा पत्थर से, ऊपर जो नया वाला बना गया अभी बनाया गया है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन करके अभी बना गया है। नहीं तो नीचे का देखो तो पूरा पत्थर का है, ऊपर का सीमेंट से पूरा मंदिर बना गया है। और यहाँ पे अगर एक एंट्री गेट है जो कि हम अंदर जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ यहाँ से पुजारी लोग जाते हैं भगवान का प्रसाद चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे छोटा सा मंदिर, जैसे हर मंदिर के चारों तरफ मंदिर रहता है, यहाँ पे माँ पार्वती का मंदिर है आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखो काम अभी भी चल रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पे देखो अभी भी काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे सीमेंट से मूर्ति बनाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे शिव पार्वती है, वहाँ पे शिव जी का है। तो देखो यहाँ पे भी सेम है, जो मंदिर है देखो जो आधा मंदिर है पूरा पत्थर से, जो ऊपर का मंदिर बना गया है अभी बना गया कुछ सालों के अंदर, मतलब समझ 2-3 साल के अंदर बना गया। बोला जाता है कि 18th century का मंदिर है, तो बहुत पुरातन मंदिर है। अभी को बोले देखो कान भाई हमारा कैसा मंदिर के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पे देखो पूरा जैसे सीढ़ी बनाया गया है, एकदम सीढ़ी के नीचे भगवान का मंदिर है। आप देख सकते हो कितना नीचे मंदिर है और हाइट कितना है देखो। ऐसे अब ऐसे बोलते हैं कि ये जब मंदिर पूरा जमीन के अंदर, मतलब जमीन के अंदर था, उसको पुनर्वार निकाला गया है, क्योंकि यहाँ के आप, मैं आपको बाद में दिखाएंगे जो पीछे एग्जैक्ट पीछे समुद्र है, तो हो सकता है कुछ तो हुआ रहेगा बहुत कालों में, तो मंदिर जमीन के नीचे आ गया रहेगा। ये देखो चलो इसके बाद में गार्डन है, हम गार्डन भी देख लेते हैं गार्डन किस तरह है। ये देखो अभी मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत पुरातन मंदिर था, अभी बहुत लोग कम जानते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत एवरीडे 200-300 टूरिस्ट आते हैं, घूम के जाते हैं। तो यहाँ पे कानू भाई इस साइड चलो, यहाँ पे देखो यहाँ पे सब स्टेचू बनाया गया है, माँ काली माँ का स्टेचू है, देख सकते हो आप कितना प्यारा है। बट अब कलरिंग नहीं हुआ है, धीरे धीरे कलरिंग हो रहा है आपको। चलो मैं चारों तरफ घुमा के दिखा देता हूँ एक साइड, देखो हम लोग इस साइड से गार्डन जाएंगे। बट मैं गार्डन जाने से पहले आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ। जो भगवान का स्टेचू बनाया गया है, जो मूर्ति बनाया गया है, उसका कलरिंग काम चालू है। ये देखो आप, मैं अभी ऊपर खड़ा हूँ एंड मैं आपको ऊपर से पूरा दिखा रहा हूँ। ये देखो भगवान बटेश्वर मंदिर जो हर हर महादेव का, जो शिव जी का मंदिर, कितना नीचे है। वैसे पूरा चारों तरफ सीढ़ी है नीचे जाने के लिए।
देख सकते हैं आप, वहाँ पे कुछ तो काम चल रहा है, मूर्ति बना चल रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। चलो हम गार्डन की तरफ चलते हैं। अभी गार्डन की तरफ जाने के लिए रास्ता ये है, और गार्डन के जाने के लिए अंदर आपको पर पर्सन 10 रुपये टिकट निकालना पड़ेगा, जो कि देखो ये गेट है। फिलहाल इस साइड गार्डन में जाना है, बट ये साइड अभी काम चल रहा है इसलिए बंद है, तो हम लोग घूम के जाएंगे अभी। चलो गर्मी बहुत है, धूप है, बट फिर भी हम लोग आए। एंड बहुत पुरातन मंदिर है तो अच्छा लगा यहाँ पे आके। और बाहर आप एकदम बैठ सकते हो, गार्डन ऐसा बना है कि एकदम शांत है, हवा मस्त आता है, एकदम ठंडा ठंडा हवा। चलो टिकट निकालते हैं, फिर गार्डन में अंदर जाकर देखते हैं गार्डन में क्या क्या बना गया, किस तरह बच्चों के लिए फैमिली के लिए क्या है। देखो यहाँ पे गार्डन है, और आपको अंदर जाने के लिए 10 रुपये टिकट चाहिए, बिना टिकट से अंदर जाने का नहीं पहली बार। लेकिन यहाँ पे इसे अच्छा लगा, जो भी प्लेस में जाओ डस्टबिन रखा है भाई, आप देख सकते हो भाई यहाँ पे डस्टबिन है। और मेरा पहला ब्लॉग है तो आई थिंक कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अगर कुछ फीडबैक देना तो कमेंट में दे देना। ये देखो गार्डन है, मतलब एकदम फैमिली जगह है, फैमिली प्लेस है बोले तो। आप अपने फैमिली लोग साथ आके मंदिर में पूजा करके, प्रसाद सेवन करके, यहाँ पे बच्चे लोग के साथ आके घूम सकते हो। अपना जो वीकेंड है वहाँ पे फेमस है, एन्जॉयली हैप्पीली एन्जॉय कर सकते। देखो यहाँ मतलब झूला वगैरह सब है, देखो एकदम अच्छा प्लेस है, डेवलपमेंट किया गया है, एकदम डिजाइन डिजाइन फूल लगाया गया है, एकदम मस्त है प्लेस। और बीच में शिव जी का स्टेचू, मैं आपको भी दिखाऊंगा। मैं पैदल में आया हूँ तो गर्म बहुत है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सांप गया मेरी नज़र के सामने से, एक सांप गया, देखो वहाँ पे सांप जा रहा है, छोटा सा है पर भाग गया, फिर भी डर लगता है, तो चीज़ से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि ऐसे जगह आते तो अक्सर आपको सांप दिख ही जाते हैं। ये देखो एकदम मस्त बना गए, यहाँ पे शिव जी के मंदिर और एक गेट बना गया, जो गार्डन में कोई आके फिर जा सकता है इस तरह से। आप यहाँ पे अगर आ सकते हो, अगर बोलते हैं ना एकदम खाना बीना बना के खा के एकदम फिर एंजॉय करके जा सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ये जो हम लोग जा रहे हैं, जो एक बड़ा सा तालाब बना गया है, अभी धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, उतना नहीं हुआ है, बट लोग बोलते हैं पहले से बहुत अच्छा बनाया गया है। अभी देखो यहाँ पे भी डस्टबिन है, कि मुझे सबसे अच्छा लगा कि किधर भी जाओ आपको थोड़ी दूर के अंदर डस्टबिन मिल ही जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। और देखो झाड़ एकदम गार्डन में एकदम मस्त बना गया। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो आराम से एंजॉय कर सकते हो, बैठ सकते हो। देखो यहाँ पे छाव कान में पहले से बैठ के चश्मा लगा के। और यहाँ पे देखो यहाँ पे शिव जी का स्टेचू है, और ये छोटा सा तालाब है, ये देख सकते हो शिव जी है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। एंड नीचे से यहाँ से जाने के लिए रास्ता भी है, आई थिंक यहाँ पे आगे जाए कुछ हो सकता है ऐसा प्लान, जो कि जैसे बोटिंग हो सकता है, अगर पानी ज़्यादा भर जाए और थोड़ा ऊपर आ जाए तो बोटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखो गार्डन है, मतलब छोटे छोटे बच्चे लोगों के साथ है कि आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं एकदम मस्त, बट वाला सांप का थोड़ा ध्यान देना। ये देखो देखो यहाँ से कैसा नज़ारा, देखो जो मैं देखा है आपको तालाब, शिव जी का तालाब है, शिव जी का स्टेचू यहाँ पे, मस्त है यहाँ पे देखने के लिए मस्त है, लेकिन चारों तरफ जंगल है। चलो अभी निकलते बाहर, क्योंकि हमको बीच पे जाने का है, आपको बीच देखो कितना दूर है, तो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गार्डन भी है, हम यहाँ पे रुक के खाना बना के फेमस है, एंजॉय भी कर सकते हो, और शाम को सी बीच में जाके घूम कर भी आ सकते हो, नहा कर आ सकते हो। दोस्तों हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं बीच के पास, तो चलो चलते हैं, आप यहाँ जा सकते हो। मैं एक बार बाहर से मंदिर का पूरा दिखा देता हूँ। ये देखो कान्हा वो उधर खड़े और शॉर्टकट मार के जा रहे हैं, ये मंदिर है। और यहाँ पे आप लोग टॉयलेट की भी उपलब्धि, मतलब यूज है, जब लिखा है सुलभ शौचालय, ये शौचालय और यहाँ पे कल्याण मंडप है बटेश्वर महादेव का, जहाँ पे शादी वादी होता है। यहाँ पे गेस्ट हाउस है रहने के लिए, जो उस तरफ है, ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये सी बीच के लिए रास्ता है यहाँ से, तो हम लोग पैदल नहीं जा रहे, एक्टिवा लाए तो एक्टिवा से जा रहे हैं, आप ये देख सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक आप पैदल भी जा सकते हो, बाइक है तो निकल, हम लोग बाइक से जा रहे हैं।
ये देखो आपको दिखाई दे रहा है समुंदर। अभी हम यहाँ पे गाड़ी रखेंगे। तो दोस्तों हम लोग आके समुद्र के पास पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो नीचे तो समुंदर कैसे आ रहा है, जो उसका उदय है। ज़्यादा नहीं, पैदल आप आओगे तो 2 मिनट लगेगा, बट हम एक्टिवा से आ गए। ये देख सकते हो आप। और मैं आपको बता दूँ, ये पूरा जंगल है साइड, जो उसका जस्ट पीछे शिव जी का मंदिर है। तो हम लोग नीचे थोड़ा जाते हैं, देखते हैं। देखो सब लोग नहा रहे हैं। बाप रे बाप, देखो कितना पानी तेज से आ रहा है। चलो हम नीचे थोड़ा जाते हैं। कानवे तो पहले ही भाग रहे हैं। हमको आके पता लगा यहाँ पे समुंदर है, जब पूछा तो। नहीं तो हम भी कुछ टावल वावल लेके आते, कपड़ा लेके आते, यहाँ पे नहा के थोड़ा एंजॉय करके फिर जाते हैं। ये देखो यहाँ पे आ रहे, बट यहाँ पे आप आओगे तो थोड़ा छोटे बच्चे लोगों को देख के, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ पानी आ रहा है, तो ऐसा कुछ ना हो जाए। आप एंजॉय करने के लिए आए हो, एंजॉय किए बाद अगर कुछ आपके साथ हैपन हो जाता है तो उससे थोड़ा बच के रहना। ये देखो समुंदर है पूरा एकदम, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, तो आगे आगे सीढ़ी बना जाएगा एकदम, यहाँ पे सीमेंट एकदम जो आके बैठ सकते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट हमने जो पूछा पता चला कि यहाँ पे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, तो आगे जाके बहुत डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आना चाहिए, जिसके वजह से उनको प्रॉफिट हो और वो लोग यहाँ पे कुछ अच्छा से चीज़ बना पाए। ये तो एक बच्चा ला रहा दोस्तों। आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।